चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी के कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आप एमपी बना के भेज दिया, आप बताइए वो क्या कर सकता है, आपको क्या दे सकता है। अभी जगन जी ऑलरेडी सिटिंग एमपी, उसको बताइए एमपी के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है। एमपी जो पॉलिटिकल पार्टी अगर रूलिंग में होता है तो एमपी इन्फ्लुएंस करके उस रूलिंग पार्टी का जो सरकार है, सरकार से आपके लोगों के लिए काम करवा सकता है। मान लो यहां कांग्रेस का कोई कैंडिडेट है, आपने गलती से वोट दे दिया, मान लो वह एमपी बन गया, आपका एक भी टुकड़ा छोटा सा छोटा काम में नहीं कर पाएगा। जो यहां जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड तो बड़ा डिमांड है, वो डिमांड तो छोड़ दीजिए, कोई छोटा काम भी एमपी के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है। मेरे लिए ले लद्दाख ये इलाका कोई नया नहीं है और हम लोग एक जैसा ही है। बहुत दूर है हमारा अरुणाचल प्रदेश और यहाँ के बीच में बहुत दूर है। अब तो एरोप्लेन से हम लोग एक दिन में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने में तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था। मैं तो बहुत बड़ा होने के बाद ही लद्दाख का नाम सुना है। हम लोग क्लास 5-6 तक भी लद्दाख के बारे में नहीं सुनता था, क्योंकि यहाँ स्टेट का नाम भी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, तो लद्दाख का तो नाम था नहीं, तो लद्दाख का नाम कहीं से भी नहीं आता था। बहुत बड़ा होने के बाद जब मैं कॉलेज में पहुंचा तब पता चला लद्दाख में भी हमारे जैसे लोग हैं। और जम्मू कश्मीर मतलब सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख भी है इसमें, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने लद्दाख के बारे में चिंता नहीं किया। मैंने कॉलेज के जमाने में जब विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तब भी हम लोग का नारा होता था और हम लोग बोलते थे कि एक दिन लद्दाख को अपना पहचान मिलना चाहिए, लद्दाख को इज्जत मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर को भी इज्जत मिलना चाहिए, मगर लद्दाख को भी मिलना चाहिए। लद्दाख का पहचान को दुनिया के सामने में रखना जरूरी है, क्योंकि लद्दाख का कल्चर यूनिक है। लद्दाख का अपना पहचान, अपना खान पान, अपना कल्चर ट्रेडिशन, अपना ड्रेस, अपना भाषा। महत्वपूर्ण बात यह है कुछ भी दीवान हो, लद्दाख का कोई भी आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने वाला एक ही शख्स है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरा कोई कर नहीं सकता है। आप मान लीजिए कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को आप एमपी बना के भेज दिया, आप बताइए वो क्या कर सकता है, आपको क्या दे सकता है। अभी जगन जी ऑलरेडी सिटिंग एमपी, उसको बताइए एमपी के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है। एमपी जो पॉलिटिकल पार्टी अगर रूलिंग में होता है तो एमपी इन्फ्लुएंस करके उस रूलिंग पार्टी का जो सरकार है, सरकार से आपके लोगों के लिए काम करवा सकता है। मान लो यहां कांग्रेस का कोई कैंडिडेट है, आपने गलती से वोट दे दिया, मान लो वह एमपी बन गया, आपका एक भी टुकड़ा छोटा सा छोटा काम में नहीं कर पाएगा। जो यहां जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड तो बड़ा डिमांड है, वो डिमांड तो छोड़ दीजिए, कोई छोटा काम भी एमपी के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है। एमपी के पास पॉलिसी बनाने का, पार्लियामेंट में बात करने का पावर होता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव काम जो भी पब्लिक का समस्या है उसको पूरा करना सरकार का काम होता है। ये यूनियन टेरिटरी है, यहां हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है। कारगिल से कोई अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठता है वो भी हमारा भाई है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई हो या कोई भी हो, हम सबको मिलकर के लद्दाख के भविष्य के लिए सोचना है।
अगर आपका वोट नुकसान होने वाला है तो वो वोट मार के आपको फायदा कुछ नहीं है। इसको बहुत सीरियसली लेना होगा। आप सोचिए, हम जब अपोजिशन एमपी था, कितना चिल्ला चिल्ला करके हमने पार्लियामेंट में कांग्रेस सरकार को कितना हम लड़ाई लड़ता था, कोई सुनने वाला नहीं था। मुझे यहां ले से पैंगोंग सो जाने में कम से कम 8 घंटा लगा उस समय, 8 घंटा, और वो भी बहुत जबरदस्ती जिप्सी को दबा के किया। तब भी इतना हालत खराब बहुत था। हमने तभी कहा था ये रास्ता जितना भी जो कठिन रास्ता है वो तभी पूरा होगा जब बीजेपी का सरकार आएगा। 2014 में मैं यहाँ तरलामसल साइट में और कई जगह मैंने मीटिंग किया तृप्तन सेवन साहब के लिए। मैं जब कैंपेन के लिए आया था तब भी मैंने बताया था, आप देखना कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाला है,